हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है मानव प्रजनन। इसको इंग्लिश में कहे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव जैक बोर्ड हो या बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन कम से कम तो 5 या 10 नंबर के पूछ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्पस कोलोसम से, बी कार्पस यूटेरी से, ऑप्शन नंबर सी कार्पस ल्यूटियम से, ऑप्शन नंबर डी कार्पस एल्बिकेम्स से। तो इसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्पस ल्यूटियम से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मानव मादा में गर्भकाल होता है। ऑप्शन नंबर ए 30 दिन, बी 90 दिन, सी 9 माह, डी 7 माह। इसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 माह। थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन है, कोरक की गुहा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए ब्लास्टोसील, बी सीलोम, सी आर्केंट्रॉन, डी होमोसील। इसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा राइट आंसर ब्लास्टो सी। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, स्तन परजीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है लीवर में, बी है अंडकोश में, सी किडनी में, डी फेफड़ा में। तो इसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडकोश में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है। त्वचा का निर्माण कौन करते हैं जब शिशु भ्रूण में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एक्टोडर्म, ऑप्शन नंबर बी एंडोडर्म, ऑप्शन नंबर सी मेसोडर्म, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्टोडर्म। 3 परत होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। एक्टोडर्म बाह्य परत है, एंडोडर्म आंतरिक परत होती है, और जो मेसोडर्म या मेसोडर्म है वो मध्य परत होती है। तो बाह्य परत वही त्वचा का निर्माण करेगी। इसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है, मतलब इसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है, इसमें कौन सा भाग है जो पुरुष के शरीर में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय, ये नहीं होता। बी भग ये भी नहीं होता। सी लोबिया मेजोरा, और डी में है मेरा काउपर ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी काउपर ग्रंथि। या कोई ग्रंथि है जिसका नाम है काउपर ग्रंथि, ये नर के शरीर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 अंडाणु का, ऑप्शन नंबर बी 1 अंडाणु का, ऑप्शन नंबर सी 2 से अधिक अंडाणु का, ऑप्शन नंबर डी अंडाणुओं का उत्सर्जन नहीं होता है। यानी कि प्रत्येक मासिक चक्र जो मादाओं में चलती है, जो यौनारंभ में पहुंच जाती हैं, जो कहते हैं कि स्त्री, उनमें हर प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान कितने अंडाणु का अंडोत्सर्जन या उत्सर्जन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1 अंडाणु का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए शुक्रजनन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अंडजनन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई के द्वारा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए शुक्रजनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, और अंडजनन द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। इसमें ए होगा नहीं, बी होगा, सी तो ए दोनों तो नहीं होगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण अंडजनन प्रक्रिया द्वारा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, अंडाणुओं का निर्माण होता है जनन अंडोथीलियम से, जनन एलिथीलियम से, जनन मीजियोथीलियम से, अंतरालिक कोशिकाओं से। ये भाग है कि किस भाग में अंडाणु का निर्माण होता है मादा के शरीर में। तो इसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनन एलिथीलियम में, एलिथीलियम से या एलिथीलियम में अंडाणु का निर्माण होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, अंडाशय में
अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है? अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी अंडजनन, ऑप्शन नंबर बी अंडोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी स्खलन। उत्सर्जन यानी किस चीज़ को निकलना होता है, और अंडजनन यानी कि अंडाणु का निर्माण। अंडोत्सर्ग कहने का मतलब अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकलकर फेलोपियन नलिका में आना। तो इसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी अंडोत्सर्ग। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या का कार्य करता है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है कौन सा? अंडाशय, ग्राफी फुटक, कार्पस ल्यूटियम, ब्रिसण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी कार्पस ल्यूटियम। ये ग्राफीय पुटक का बाहरी परत होता है जिससे मतलब ग्राफीय पुटक फटता है और युग्मक बाहर निकलते हैं, मादा युग्मक। तो फिर कार्पस ल्यूटियम एक परत बनाता है गर्भाशय में जिससे गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है और जो युग्मनज होता है वो आन के उसे अपरा द्वारा अटैच हो जाए। इसलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं? शुक्रजनक नलिका कहने का मतलब, चलिए ऑप्शन बताते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए सर्टोली कोशिका, बी लीडिंग कोशिका, सी अस्परमेटा गोनियल कोशिका, एपिथिलियम कोशिका। तो 12 का मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्टोली कोशिका। शुक्रजनक नलिका में दो कोशिका होती है, एक कोशिका जर्म कोशिका होती है और दूसरी सर्टोली कोशिका। जर्म कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है और सर्टोली कोशिका उसको जो निर्माण होने में जो प्रक्रिया लगता है उसमें जितना पोषण खर्च होता है उसको सर्टोली कोशिका उसको पोषण प्रदान करती है। इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्टोली कोशिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है, यानी कि जो एक बार शुक्र जो क्या कहते हैं देखिए यहाँ शुक्रजनन नलिका में जो एक बार जन्म कोशिका वृद्धि करके और विभाजन करके जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है एक बार, उसमें कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? तो एक बार में 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। मेरा क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। द्विगुणित है अंड द्विगुणित है, ऑप्शन नंबर ए अंड, बी पराग, सी ए और बी दोनों, डी युग्मनज। अंड यानी कहने का मतलब युग्मक, युग्मक अगुणित होता है एन जिसको एन से डिनोट करते हैं। पराग, पराग कम कहने का मतलब ये भी युग्मक है और ए और बी दोनों युग्मक है, तो दोनों तो क्या कहते हैं इसको युग्मक है, तो युग्मक तो एन होता है और सूत्र यानी जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधा होती है, और ये बोला है द्विगुणित यानी कि ये तीनों ये दोनों ए और बी अगुणित होते हैं, और युग्मनज है जो दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने के बाद बनता है, तो ये मेरा हो जाता है द्विगुणित। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 का, किस हार्मोन का अंडोत्सर्जन नियंत्रित होता है? किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्जन नियंत्रित होता है, यानी कि जो किस हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को नियंत्रित रखता है? ऑप्शन नंबर ए TSH, ऑप्शन नंबर बी SCTH, ऑप्शन नंबर सी ADH और ऑप्शन नंबर डी FSH तथा LH। तो 15 नंबर का मेरा हो जाएगा डी FSH और LH। LH हार्मोन है जो लीडिंग कोशिका पुंजन हार्मोन को स्रावित करता है, और FSH सर्टोली कोशिका का निर्माण करता है जो कि उसके शुक्राणु को पोषण देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए यकृत में, बी वृषण में, सी अंडाशय में, डी कहते हैं अग्न्याशय ग्रंथि में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का मेरा आंसर हो जाएगा वृषण, क्योंकि अंडाशय नहीं होगा क्योंकि अंडाशय में तो मादा युग्मक का निर्माण होता है और वृषण में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु को ही सर्टोली कोशिका पोषण देती है युग्मक जब शुक्राणु बन रहा होता है उस समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडलस, द्वितीयक केंद्रक। इसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी द्वितीय केंद्रक। नहीं, इसका क्वेश्चन नंबर 17 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनिषेचित अंड। अनिषेचित अंड कहने का मतलब युग्मक, युग्मक। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है?
सॉरी सॉरी सही है, हाँ सही है। भ्रूण बनाने की बात करेगा तो आएगा अनिषेचित अंड। अगर भ्रूण पोष यानी कि पोषण के भ्रूण पोष बनाने की बात करेगा तो मेरा हो जाएगा द्वितीय कण। ये आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर सेकेंड में पढ़ना है, पुष्पों में जनन एक क्वेश्चन क्वेश्चन चैप्टर नंबर सेकेंड से है। पुष्पों में जनन पढ़िएगा ना तो उनमें दो बार निषेचन होता है, उसी का एक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए जीवों की संख्या के वृद्धि के लिए, बी पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए, डी ए बी और सी तीनों के लिए। इसमें मेरा तीनों हो जाएगा क्योंकि प्रजनन नहीं करेंगे तो जीवों की संख्या में वृद्धि नहीं होगा और पृथ्वी को जीवों की संख्या घट जाएगी तो उनकी निरंतरता बिगड़ जाएगी। और कोई भी चाहता है व्यक्ति कि हमारा संतान रहे, यानी कि हमारा क्या कहते हैं जाति का अस्तित्व बना रहे। जैसे मानव जाति अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, कोई और भी जानवर है अपने अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। जानते हैं अभी कि कितना ह्यूमन की संख्या कितना बढ़ गया है पृथ्वी पर। ऑप्शन नंबर क्या चीज मेरा हो जाएगा डी, यानी कि तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19, नर में वृषण कोष स्थित रहता है। वक्ष गुहा में, उदर गुहा में, उदर गुहा के बाहर अंडाशय में। तो नर के भाग है तो अंडाशय तो होगा नहीं। अब ये तीनों उदर गुहा यानी कि डायफ्राम फेफड़ा के नीचे की गुहा, उदर गुहा कहलाती है। वक्ष गुहा नहीं होगा, बी और सी। तो बी और सी में मेरा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी, उदर गुहा के बाहर होती है वृषण कोष, जिसको हम वृषण कोष या उदर गुहा के बाहर देख सकते हैं। सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, नर में पाया जाने वाला प्रमुख जनन अंग है। ऑप्शन नंबर ए वृषण कोष, सी वृषण नालिका, डी वृषण सॉरी बी वृषण, डी अतिवृषण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृषण, क्योंकि वृषण में ही शुक्रजनन प्रक्रिया होती है और शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसका मुख्य प्रमुख जनन अंग हो जाएगा वृषण। क्वेश्चन नंबर 21 क्या चीज है, शुक्राणु में मध्य भाग का निर्माण होता है। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है केंद्रक से, सेंट्रीओल से, सी माइटोकॉन्ड्रिया से, डी एक्सोनियम से। तो मेरा 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप क्या कहते हैं उसको शुक्राणु का अगर आप फिगर देखें उनका चित्र देखे होंगे तो उनके बीच में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो उन्हें चलने के लिए जब वो तैरते हैं और जाते हैं मादा के बॉडी के अंदर तो उसमें उन्हें पोषण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही मिलते रहता है। तो इसको मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है यकृत में। ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर वृषणों में, ऑप्शन नंबर सी वृक में, ऑप्शन नंबर डी आंत में। तो 22 नंबर का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीडिंग कोशिका जो पुंजन हार्मोन को स्रावित करते हैं जो एलएच हार्मोन द्वारा निर्मित होती है वो। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, मानव में निषेचन होता है गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी योनि में, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय में, ऑप्शन नंबर डी फेलोपियन नलिका में। निषेचन कहने का मतलब दोनों युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मकों का मिलना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी फेलोपियन नलिका। फेलोपियन नलिका का भी भाग है जिसको कहते हैं इस्थमस। फेलोपियन नलिका का भी तीन भाग है जिसमें इस्थमस में मानव में निषेचन होता है यानी युग्मकों का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है अधिवृषण, शुक्रवाहक, वृषण और इनमें से कोई नहीं। तो मेरा इसमें वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग है या प्रमुख लैंगिक अंग है या मुख्य लैंगिक अंग है, वृषण ही होगा मानव के केस में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या चीज है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है अंडाशय द्वारा, वृषण द्वारा, जनन ग्रंथियों द्वारा, गर्भाशय द्वारा। तो वृषण द्वारा तो होगा नहीं क्योंकि ये मादा के केस में चला गया, मादा के केस में नहीं गया। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है तो इसमें मेरा हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का बी वृषणों द्वारा। एस्ट्रोजन मादा के केस में होती है, टेस्टोस्टेरोन नर के केस में होता है हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 26 पर, नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है अंडाणु,
बी शुक्राणु, सी वीर्य, डी युग्मक। तो दो युग्मकों को मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। और निषेचन के बाद जो बनता है उसे कहते हैं युग्मज। युग्मज हमारा 2N होता है, कहने का मतलब द्विगुणित। इसके पहले क्वेश्चन मैंने बताया युग्मज द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित कहने का मतलब उनमें गुणसूत्र की संख्या अपने जनक के या अपने माता या पिता के समान हो जाती है। जैसे मानव में 46 है तो 23-23 होते हैं युग्मक। जब युग्मक संयोजित होते हैं यानी निषेचित होते हैं, निषेचन करते हैं, युग्मन करते हैं, तो युग्मनज का निर्माण होता है और वही युग्मनज 40 होता है। गुणसूत्र की संख्या 40 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। काउपर ग्रंथि उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर ए नर में, बी मादा में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो काउपर ग्रंथि एक ग्रंथि का नाम है जो नर के केस में उपस्थित है। मैंने इस क्वेश्चन को भी और पहले भी बता दिया। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों द्वारा, 28 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है, बी नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होते हैं, सी शुक्राणुओं की उत्पत्ति होती है, डी अंडाणुओं की उत्पत्ति होती है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होते हैं। जैसे ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहने का मतलब जो बच्चा जब कोई भी लड़का या लड़की 13-12 वर्ष के बाद यौनारंभ में जाती है तो उनके जनन अंगों में बाल आते हैं, उसी को कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ये नर और मादा के बीच अंतर स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? प्रोटेस्ट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए हार्मोन, बी एंजाइम, सी एक प्रकार का द्रव्य, डी वीर्य। तो 29 नंबर का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक प्रकार का द्रव, जो कि इसमें से शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करती है, जो उनको चलने में सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है, प्रोटेस्ट ग्रंथि, शुक्राशय, कॉपर ग्रंथि, इनमें से सभी। तो 30 नंबर का मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेस्ट ग्रंथि भी है जो उसको चिपचिपा पदार्थ साबित करती है जिससे शुक्राणु चलने में सहायक होती है, शुक्राशय भी है, कॉपर ग्रंथि भी है जिसका विकल्प कार्य होगा, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर इसका क्या है? अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है, शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंडाणु, प्रोस्टेट। तो नर द्वारा शुक्राणु और मादा द्वारा अंडाणु, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय का और उत्पन्न मादा युग्मक कहलाता है अंडाणु। तो हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? 32 क्या है? गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है फिरम्बरी, बी इस्थमस, सी एम्प्यूला, डी बम्बू। तो 32 नंबर का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बम्बू। क्वेश्चन नंबर 33 है, बुल आउरेथ्राल ग्रंथि स्थित होती है, ऑप्शन नंबर ए ब्रिसन के निकट, बी यूरेथ्रा के समीप, सी अधिब्रिसन के नीचे, डी प्रोस्टेट ग्रंथियों के नीचे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का मेरा राइट आंसर हो जाए सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटेस्ट ग्रंथियों के नीचे। कोई होगा ग्रंथि जिसका उपयोग होता होगा कुछ जनन के लिए। शुक्राणुओं के परिपक्व होते हैं वृषण से, ऑप्शन नंबर ए वृषण से, बी शुक्र वाहिका में, सी अधिवृषण में, डी शुक्राशय में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है इस्थमस, एम्प्यूला, फिमरी, इनफिंडिबुलम। तो क्वेश्चन नंबर 35 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस्थमस। क्वेश्चन नंबर 36 क्या चाहिए मेरा? इनफिंडिबुलम के अंगुलकार प्रवर्ग कहलाते हैं फिमरी, ऑप्शन नंबर ए में है, बी एम्प्यूला, सी इस्थमस, डी इनमें से कोई नहीं। फिमरी उंगली नुमा कहने का मतलब फिमरी लाइक स्ट्रक्चर जो उंगली के समान होता है, जब अंडाशय से अंड बाहर निकलती है तो फिमरी उसे कैच करती है यानी पकड़ती है और जो उंगली की तरह होती है जो पकड़ कर उसे फेलोपियन नलिका में पहुंचाती है। तो इसमें मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 37, योनि द्वारा प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है। योनि द्वारा द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं क्लाइटोरिस, मेजोरा, इस्थमस, हाइमन। तो क्वेश्चन नंबर 37 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइमन। कोई होगा? योनि द्वारा प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है, वो पतली झिल्ली का नाम है हाइमन। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में रजनोवृत्ति की उम्र होती है, यानी कि स्त्रियां कब तक जनन कर सकती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 70 वर्ष। तो इसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 वर्ष तक, और पुरुष के केस में जीवन भर। क्वेश्चन नंबर 39 के, मनुष्यों में निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है गर्भाशय में म्यूरोब्लास्टिसिस अवस्था में, जब अंडा फेलोपियन नली में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी में, जब अंडा फेलोपियन नली में होता है तभी से वह टूवेन विभाजन यानी कि समसूत्री विभाजन करना स्टार्ट कर देती है और अपनी संख्या को बढ़ाने लगती है, जो संख्या आगे बढ़कर बढ़ते बढ़ते आती है और 32 होने के बाद वो गर्भाशय के दीवार से अंके जुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 मेरा क्या हो जाएगा, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है। 40 नंबर का ऑप्शन नंबर FSH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बी एस्ट्रोजन, FSH, प्रोजेस्टेरोन, सी FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, डी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH। यानी कि मासिक चक्र आरंभ से स्रावित होने वाले पहले कौन निकलता है, फिर कौन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी, पहले FSH आता है जो एस्ट्रोजन स्रावित करता है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का मेरा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंडोत्सर्जन के बाद स्तनियों में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाता है जिसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए कोरियान, बी जोना पेल्यूसीडा, सी कोरोना रेडिएटा, डी विटेलाइन झिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा मेरा राइट आंसर बी, जोना पेल्यूसीडा। कोई एक झिल्ली है जो अंडोत्सर्जन के बाद स्तनियों के अंडाणु को एक झिल्ली द्वारा घिर जाता है ताकि और कोई अंडाणु बाहर निकले ना। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते क्वेश्चन नंबर 42 पर, छोटी सी उंगली नुमा संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लोबियों मेजोरों से जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए क्लाइटोरिस मेजोरा, बी में मेजोरा, सी में नेमेरी डक, डी में हाइमन। तो क्वेश्चन नंबर 42 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्लाइसोरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं, दुग्ध बाहर की ओर आता है, ऑप्शन नंबर ए नेमोरी पाली से, बी मेमेरी ग्रंथि से, सी मेमेरी नलिका से, डी लैक्सिफेरस नलिका से। तो 43 नंबर क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिसिफेरस नलिका द्वारा दूध बाहर आती है। क्वेश्चन नंबर 44, नर जनन तंत्र स्थित होता है, ऑप्शन नंबर ए श्रोणि क्षेत्र में, बी वक्ष क्षेत्र में, सी पृष्ठ क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए श्रोणि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 45 कहती है, कॉर्पस ल्यूटियम का विकास होता है, ऑप्शन नंबर ए अंडकोशों में, बी नेफ्रोस्टोम में से, सी ग्रेफियन फलिकिल से, डी एंडोमेट्रियम से। इतना चिन्ह नहीं रहा आधा न, यानी कि एंडोमेट्रियम है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफियन फॉलिकल, यानी कि ग्रेफियन जिसे पुटक के नाम से भी जाना जाता है, उसको मैंने पहले ही बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट LH, बी FSH, डी प्रोजेस्टेरोन,
एएलएच, बी एफएसएच, सी प्रोजेस्टेरोन, डी एस्ट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 46 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, विकास के दरमियान स्पर्मेटो जुआ पोषण प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सर्टोली कोशिका द्वारा, बी संयोजी उत्तकी कोशिकाओं द्वारा, सी आंत्रीय कोशिकाओं द्वारा, डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्टोली कोशिकाओं द्वारा। स्पर्मेटो जुआ पोषण प्राप्त करने का मतलब है, स्पर्मेटो जुआ कहने का मतलब है शुक्राणु का निर्माण होने की प्रक्रिया को, इसे अंग्रेजी का नाम है स्पर्मेटोजुआ, जिसे हिंदी में शुक्राणु जनन कहते हैं, तो उसमें उसको पोषण सर्टोली कोशिका देती है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है मेरा, प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है वृषण के ऊपर, बी वृषण के पास, सी यूरेटर्स के पास निकट, डी मूत्र मार्ग के चारों ओर। प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूत्र मार्ग के चारों ओर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। मैंने बताया कि चार बार विभाजन करते हैं, दो से पहला समसूत्री, दो से चार, दूसरा चार से आठ, तीसरा आठ से 16, चौथा 16 से 32, 32 के बाद भ्रूण का अंतरोपण हो जाता है गर्भाशय में। तो जो 8 से 16 होता है भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था, यानी कि जो 8 से 16 बनता है उस कोशिका को किस नाम से जाना जाता है, मोरूला, बी ब्लास्टोमियर, सी ब्लास्टोस्टूला, ब्लास्टूला, डी गैस्टूला। तो क्वेश्चन नंबर 49 का मेरा आंसर हो जाएगा ए मोरूला, और बी हो जाएगा, जो बी है वो ब्लास्टोमियर। 8 से 32 के बीच होने वाली प्रक्रिया को ब्लास्टोमियर कहते हैं, तो ब्लास्टोसिस 8 से 16 होने की प्रक्रिया को। फिर क्वेश्चन नंबर 50 क्या चीज है, युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। मैंने बताया युग्मक अगुणित होते हैं, तो मानव के केस का क्वेश्चन है, देखिए CBSE में क्वेश्चन 2015 में भी BSEB में पूछा गया था, यानी कि बिहार बोर्ड में। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23, 23 कहने का मतलब अगुणित, युग्मक अगुणित होता है तो अगुणित होगा। तो आज के लिए मैं 85 क्वेश्चन तो छोड़ता हूँ, और अगले वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चन करवा दूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन इतना ला कर प्रिंट करके क्वेश्चन बनाना बहुत भार पड़ता है, तो सब्सक्राइब और लाइक करने में क्या जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।